नोट मेकिंग हर चीज़ की अलग अलग होती है, जैसे हम न्यूज़पेपर से नोट बना रहे हैं तो उसमें अगर फ्रेम्स के लिए बना रहे हैं तो हम न्यूज़पेपर को जब पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि जो जैसे नेम है, कोई प्लेस न्यूज़ में है, कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है, कोई टाइम पीरियड या फिर कोई ईयर न्यूज़ में है, तो जैसे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव चीज़ें जो नेम प्लेस ऑर्गेनाइजेशन समथिंग लाइक दैट, तो उसका एक अलग से एज इट इज़ हम लोग न्यूज़पेपर से उतार के लिख सकते हैं शॉर्ट में विद इन अ बुलेट पॉइंट। और अगर हम मेंस के लिए उसका नोट्स बना रहे हैं तो जो एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स होते हैं उनको अपने वे में, जैसे कि अगर कोई भी टॉपिक चल रहा है जैसे रिजर्वेशन है, तो अभी जैसे रिजर्वेशन का इशू था तो उसमें प्रोज एंड कॉन्स अपने उसमें इंटरप्रेट करके उसको आर्टिकल को एज इट इज़ नहीं लिखना होता है। प्रीलिम्स के लिए लिख रहे हैं तो एज इट इज़ लिख लो, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो हिंदू का संडे का पेज होता है तो वो एज इट इज़ लिखना होता है। लेकिन अगर हम किसी और चीज़ के लिए नोट्स बना रहे हैं मेंस के लिए स्पेशली, तो अपने वे में लिखना चाहिए कि मैं उसको कैसे इंटरप्रेट करता हूँ और कैसे एनालाइज करता हूँ। और सब्जेक्ट की नोट मेकिंग ऐसी होती है, जैसे हिस्ट्री है तो अगर कोई मैं बुक पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री के लिए तो प्रीलिम्स के लिए अगेन दैट नेम प्लेस और समथिंग लाइक दैट, मतलब अपनी आईज में ऐसा होना चाहिए कि वो कोई फैक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो वो कैचअप होना चाहिए अपने आईज में और वैसा का वैसे लिख लो। और अगर मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर भाई की कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज और ऐसा मतलब सब्जेक्टिव चीज़ें, तो उसका नोट मेकिंग अलग होता है। पर ये नोट मेकिंग में ये एक स्पेशल अटेंशन इस बात को होना चाहिए कि कम से कम चीज़ें हो, ऐसा नहीं हो कि जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक है तो उसके अगर नोट मेकिंग करने जाएँ तो वैसे की वैसी बुक एक और तैयार हो जाएगी। तो ऐसी बुक्स का मैं नोट्स नहीं बनाता था। और मेंस के लिए नोट मेकिंग का ये होता है कि देर इज़ अ डिटेल्ड सिलेबस गिवन टू अस, तो जैसे GS 1 है तो उसमें हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी में भी वुमेन एम्पावरमेंट है, अर्बनाइजेशन है और सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तो हर टॉपिक दिया हुआ है, हर टॉपिक पे 1 to 2 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बना लें, जैसे कि उसमें 4-5 हेडलाइंस में जैसे पॉवर्टी है तो उसके कॉजेज उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं लोगों पे, और रिसेंट फिगर्स और डेटा अगर कोई गवर्नमेंट का डेटा आया या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कोई डेटा रिलीज़ किया है तो, और फिर उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें एग्जाम में आंसर्स मेंशन करने के लिए। तो अगर ऐसा हमारे पास डेटा है और ऐसा हमारे पास अगर नोट्स हैं तो पॉवर्टी पे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आंसर करने के लिए बहुत इजीली उसमें से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो टॉपिक लो हर, जैसे GS 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो डिटेल सिलेबस है, हर टॉपिक लो उस पर 1 to 2 पेजेस के नोट्स बना के रख लो और वो मेंस में काफ़ी हेल्प करेगा आपको।